हे संजय गुप्ता, ते का समझ ले, हमनी से बच जेबे कौनो कीमत पे ना। काहे कि शहर में कौन मर्द नहीं खे जन तोर हम दर्द बन सके। ते कौन बड़ीस रे? लागत है शहर में नया नया आयल बड़ीस। अपना जान के सलामती चाहता रे ना, ते हिजा से निकल। ते हमरा से आके भीड़ में हिम्मत पात्रा में। हमार नाम है राजा, दिलदार के खातिर दिल के राजा, समझदार के खातिर दिमाग के राजा, और तानी जैसन कुकुर सियारन खातिर ना, हम है ये जंगल के राजा, ये जंगल के राजा। हाँ, ते जंगल के राजा मत बन ना, ते ही जे तोर शिकार कर दे। शिकार तो अब हम तहनी के करें, काहे कि तहनी के इंसान ना आवारा जानवर पास। अरे तो कुछ ज्यादा बोला था, लगा था तेरा कि ना ए मार सने के। हमारा सामने बड़ा बुजुर्ग के सीना जोड़ी और मुंह जोड़ी ना, हाथ जोड़ी चलेला। जो जाके माफी मांग। तोरा के पता नहीं कि हम केकर आदमी बानी। हमरा बॉस के लसे शहर में सनसनी मच जाला, और तोरा दो दिन के बाद पता चले हमरा से टकराए के मतलब का होई। तो जाके कह दी अपने बाप से कि आज के बाद शहर में एगो मर्द भी बा और एक हमदर्द भी बा। तोरी बहन के बाप रे। ए ए भाग रे, भाग 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 जल्दी। राजा चल चल देखल जा। रउआ के बानी? ए ले चल हॉस्पिटल। अरे ई पर्स। का वा हमके भी दिखावा पर्स में? अरे अरे चला गया। का तू? अरे रानी, ये पर्स में तोहरा ऐसन का मिल गई बा जे इतना खुश हो रहा बाड़ू? ऐसन लगत बा जैसे तोहरा कौनो हीरा कोहनूर मिल गई बा। हीरा कोहनूर नहीं, ओकरा से भी बढ़कर मिल गई बा। उससे भी बढ़कर
का मिल गई बा मतलब सब कुछ बताई अब घर जाके चलो 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 चलती चला चला ना यहाँ कहाँ ना चिंता के कोनो बात नहीं बा यहाँ के ठीक हो जाए ठीक बा डॉक्टर साहब मंगरू हाँ अच्छा मंगरुआ पैसा तो लागनी रे रोक पर्स निकल का भाई पर्स देख तोरा लगे बा ना भैया तोरा लगे बा अरे अच्छा से देख ना हमरा पास ना मंगरू पर्स कहीं गिर गई हाँ हाँ जाए दो सब ठीक हो जाएगी अरे ये बतावा यार पता कागज रुपया सब सामान वही में बा बताओ अब का कल जाए राजा अपना जान पर खेल कर इनकरा के हॉस्पिटल पहुंचौला अब भगवान एकर समाधान निकल है हाँ ले चल हॉस्पिटल दिमाग में हमरा
अरे रानी, खाली तू फोटो के निहरबे करबू कि हमरा की कुछ बताइबू के बाई? ये हमार बचपन के दोस्त, हमार प्यार, हमार यार, हमार दिल, हमार धड़कन, हमार जान, हमार साथी और होके वाला जीवन साथी बा, बुझलू की ना? हाँ हाँ, वो तो समझ में आ गई, लेकिन इतना पता बा वो तोहरा के ना पहचानलास, आप का करबू? चला अब लंच कैल जाए, काहे कि कल राजा के ढूंढे के बा और उनकरा के पर्स भी देवे के बा। चला हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है सर, प्रणाम। थोड़ा सांस लीजिए, थोड़ा और तेज लीजिए, और तेज। आप एकदम बिल्कुल ठीक हैं। जी सर, जी डॉक्टर साहब। अब आप जा सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। अपना ध्यान रखिएगा। जी सर, धन्यवाद। भैया, रुआ बिल्कुल स्वस्थ हो गए बनी। आज्ञा दे कि हमने क्या जाइसन और आपन ख्याल रखी रुआ। अरे रुका, कहाँ जाता रहा? अगर तोहनी के ना रहता तो हमार बाचल बहुत मुश्किल रहे। हम कौना मुँह से तोरा उनके धन्यवाद करें। अरे भैया, धन्यवाद के में का बात बा, हमने खुशी बा कि रुआ एकदम ठीक बानी, मस्त बानी। हमने की जाए दी भैया जी, कहे कि राजा के एक नया कंपनी में ज्वाइनिंग बा, अगर अच्छा? ना जाए ना तो कंपनी से करा के हाथ धोए के पड़ जाए। हाँ भैया, अभी रहे के ठिकाना भी हमने के ढूंढे के पड़ी। तू रहे के चिंता छोड़ दा। हाँ भैया, ओकर हम इंतजाम कर दे अब। जी अच्छा, ये बतावा, जाउना कंपनी में तुहार नौकरी लागल बा, वो कंपनी के नाम का बा और उकर मालिक के बा? भैया, वो कंपनी का नाम संजय। हाँ हाँ, संजय इंटरप्राइजेज। संजय इंटरप्राइजेज नाम बा, वही में हमने काम मिलल बा। अच्छा, एकर मतलब तोहरा लोगन के मास्टर जी भेजले बारन? हाँ भैया, लेकिन रउआ कैसे पता बा मास्टर जी के बारे में? काहे कि मास्टर जी के हम बचपन से जानी ले, वो हमार दोस्त हवन, वही से उनका के हम जानी ला। अरे, ये तो एकदम सही जगह पे आ गई नी, ये तो बहुत खुशी की बात बा। राजा, तोहनी के कहीं जाए के जरूरत नहीं के, कारण कि वो कंपनी के मालिक हम ही बने। वो कंपनी का मालिक रहुआ बने? हम बने। मंगरू, अभी तोहरा लोगन के कहीं गैला के जरूरत नहीं के, अब तू दोनों हमरा घर में आके रहा, बुझला? चला हमरा साथ है। आंटी, खाना लेके आवा ना, बहुत जोर से भूख लागल बा। क्यूट ना? बहुत सुंदर लागल बा। जी नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। ई बारी अपना घर के देखरेख करे वाली किचन के महारानी झुमकी। बहुत लाजवाब खाना बनावे ली, तोहनी लोगन के एकर खाना जरूर पसंद आई। ला, खाना खा। ले निकाल। खाई? राजा। हाँ भैया। आज से ना ये घर तोहरे बटे, यहाँ कोनो दिक्कत ना हुई तोरा के। जी, बुझाई लो। जी। अच्छा भैया, एक बात समझ में नहीं आवा। का
कि हमला करे वाला कौन रहले सन। सुनी ला चाहता रहा ता सुना, हमरो एगो हसत खेलत परिवार रहे, हाँ बोला सर। राघव का बार बार फोन आ रहा बा और वो डिस्टर्ब कर रहा बारे। राघव आपन पूरा ताकत भी लगा देवे ता हम कौनो के सामने झुके वाला नहीं, और हम अपन बिजनेस अपना तौर तरीका से करीला। और रही बात हमारा ऑनेस्टी के, तो हमारा ऑनेस्टी के कोनो आदमी रिश्वत दे के खरीद नहीं के सकत, बुझला? जी सर। हेलो। कह रहे संजय गुप्ता, तोरा के हजार बार समझौने लेकिन तोरा कान पर छूने के रंगो त सुन। देखा भाई राघव, तोहार धमकी देला से हम आपन बिजनेस बंद करे वाला ना है, यह हमार फैसला बा। अंजाम भुगते खातिर तैयार रहो। काजी, काहे परेशान लग रहल बानी, का सोचत बानी? का कही, कुछ दिन से राघव हमरा के फोन करके परेशान केले बा। ओकर नाम सुन के हमार दिमाग खराब हो जाला, ओकरा के जे चाही दे के पीछा छुड़ाई। एक तो हमरा के पहले ही से परेशान करता, और तू कहता रू ओकरा के सब दे दी, इतना मेहनत से हम सब कुछ बनेले बानी ओकरा के देवे खातिर। बोला ठीक बा, चली खाना बन गइल बा, चल के खाना खा ली, गुस्सा शांत हो जाए। सुना ठीक से जाई हा, और बॉबी दो घंटा में स्कूल से आ जाई। चिंता जिन करी, बॉबी के आए से पहले हम आ जाए। बबुआ जॉन खिलौना लेबा दू गली हा। जी जल्दी आई हा। इतना टाइम हो गया, अभी तक ऐलन सा ना, कहा बात हो सकता? कहा रह गए सा, काहे लेट होता, समझे में नहीं क्या आवत? हेलो हेलो, ज़ाइलो 4403 गाड़ी आपकी है? हाँ, क्या हुआ? मुझे ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उस गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है, उसमें बैठे सभी लोग मारे गए सर। क्या बोल रहे हो? हाँ सर, ये सच है, सॉरी। इस शहर के हर एक बड़का से बड़का बिजनेसमैन ओकरा सामने घुटना टेक देलस, लेकिन हम कभी ना झुकनी। लेकिन ओकर जिंदगी में एक एक मकसद बा कि शहर के सबसे बड़का बिजनेसमैन बने के, अत्याचार और दहशत के दोसर नाम बा राघव।
हमरा हिंदुस्तान का नंबर वन बिजनेसमैन बने के बा। एकरा खातिर हमरा जान भी कर गुजरे के पड़ी, जरूर करब। रउआ अब जौन कहें हम उहे करब। और वैसे भी हमके फुल कॉन्फिडेंस बा इस शहर के टॉप नंबर वन बिजनेसमैन आप ही बनब। और शेरा आपन सब काम कैसन चल रहा बा? सब प्रोग्रेस बा न भैया? बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा बा, छोट से बड़ बिजनेसमैन सब राउरे बात माने ले। लेकिन संजय गुप्ता ऐसन बिजनेसमैन बड़े कि जे राउर भी बात नहीं खन मानत। बिजनेसमैन संजय गुप्ता के हम इतना तकलीफ दानी, अब एकर जिद के एकर मौत के साथ ही खत्म करब। देखिए, गुड मॉर्निंग सर। दिवाकर मॉर्निंग, बैठो। आज से तुम्हारा काम और टेंशन पूरा अदा कर दिया। मतलब? मतलब कि कंपनी का काम बहुत पेंडिंग हो गया है और उसकी वजह से मेरी कंपनी का पूरा लॉस हो रहा है, और उस पेंडिंग काम को ठीक करने के लिए मैंने तुम्हारे सपोर्ट में एक नया मैनेजर रखा है और उसका नाम है राजा। तो हम फटाफट करके देम ना, इमें दूसर मैनेजर रखने की जरूरत का बा? तुम हमेशा वही बात करते हो लेकिन करते कुछ भी नहीं हो। आज से तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजा साथ में रहेगा। लगा था एकरा बारे में पता करे के पड़ी। एकरा पता नहीं के ये कौने सांप के बिल में हाथ डल ले बा, जेकर काटल पानी ना मांगेला। अरे भैया, ये तो एकदम से मस्त जवान हो गई बिया। कजरी कजरी मतलब काजल। ए कजरी, हम तोहरा के अपन आंख के जैसन संभाल के रखब, बस तू हमरा के संभाल लो। ए बे नाम बाप के पाप, शराफत से हमार रास्ता छोड़ दे, वरना तोहनी लोगन के ऐसन हालत करब कि कबो अपना आपके मर्द कहे में भी दर्द होई। अगर तनी के मर्द बने के इतना ही शौक बना ताकि मर्द से टकरा आओ। कौन मारा ये लोग के? थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। कैसे
कहाँ ढूंढी राजा के? कितना धूप बाटे। अरे यार इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढी? तू टेंशन मत ला, तो हर राजा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इतना बड़ा शहर में कहीं ना कहीं तो हो बै करी है। इतनी गर्मी बा फिर भी ढूंढे के तो पड़ी ना। हाँ चला कौनो बात ना, तुम्हारा तरह के गुंडन के पता ना कहाँ हुई है। पैसा दे। पैसा कहाँ बा? अरे दे हमार पर्स गिर गिल बावे। हम देता नहीं। का लेवे कहा? हमरा के प्यास लगिल बा, हमरा को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ये दुकान में वो मिली का? राजा। ए मंगरुआ, इन नया शहर में कौन आवाज देता रे? हमरा की का मालूम। तनी पता कर बे। अरे वो तो इतने भी है। बहुत खुश हो ना? हमरा के शर्म आवा था। हाय। हेलो। लेकिन हम तो क्या पहचानत नहीं हो? कल रहुआ फाइट करत रहनी गुंडे लोगन से, हम पहुंचे रहनी देखनी सब कुछ, और फाइट करत समय राउर पर्स गिर गल रहे। हाँ हाँ हम उठौनी रहुआ के देवी खातिर, तब तक आप निकल गई नी। दोना कहा बा? अरे वाह, इस कलयुग में भी इतना ईमानदारी, हमरा विश्वास नहीं के हो। ओ थैंक यू। अरे भाई थैंक यू खाली बोलबा, अरे कोल्ड ड्रिंक तो पिलावा। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, थैंक यू, थैंक यू। पीला। अच्छा तुम्हार नाम का है? हमार नाम रानी, और ई हमार दोस्त पूजा बाड़ी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कितने अच्छा जोड़ी बा, एक राजा एक रानी। जोड़ी सिर्फ नाम के बाकी? अरे कहे के मतलब कि दोनों को जोड़ी इतना सुंदर लगा था कि क्या बताई। बुरा मत मानिया, ये हमार दोस्त तो मंगरुआ, ये खुश मिजाज और हसावत रहला, हसावत रहला। हमनी के जोड़ी के बारे में क्या ख्याल बा? साचो राउर दोस्त कुछ ज्यादा ही खुश मिजाज और मजा किया बा। थैंक यू। हसावत रहले, हसावत रहले। ठीक बा, हमनी चलत बानी, नंबर कभी बात करे के है ना? 9161100115। हम मिस कॉल कर देता नहीं। ओके बाय 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 बाय। हाय बोला। आपके बहुत बहुत धन्यवाद उ दिन हमार इज्जत बचावे खातिर। एमे धन्यवाद की कौन बात बा हो, ई त हमार फर्ज रहे। आप सच में बहुत अच्छा इंसान बानी। अच्छा हाँ, आप अपन नाम तो बताई। हमार नाम अजय बा। अजय जी थैंक यू। तुहार नाम का बा? हमार नाम कजरी बा। तार बहुत अच्छा नाम बा। आप यहाँ नया बानी का? हाँ दरअसल हम ई गाँव में नया बानी, और ई गाँव हमके घुमाया ला केहू बाना। हम बानी ना, हम आपके ये गांव में सब जगह घुमाई। तू सच में? सच में। चल कल तोरा से मिलके राजा हमरा के बहुत अच्छा लागल। हमरा भी बहुत अच्छा लागल रानी। अच्छा एगो बात पूछी बताइबा। पूछा ना क्या बात बा? बैठ के बात कर ली जाए। हाँ बैठा। राजा हम तोरा से एक बात पूछी, सच सच बताइबा। पूछा ना क्या बात बा? कजरी कैसन बिया? कजरी? कजरी के तू कैसे जानता रू? हम तब बहुत कुछ जान ली। का बतावो? हमरा के ई बात तो हम तोरा के कली बतावे चाहत रहनी, लेकिन हमरा के लागल कि तोरा से मिल के साथ बैठ के फिर बतावल जाए। अरे तो बतावो ना बात का बा। हम तुहार रानी बानी। रानी? तू हमरा के ना पहचान ला, लेकिन हम तोरा के पहचान गए नी। याद करा, राजा रानी और कजरी याद है?
बाय। और तहार नाम का हा? हमार नाम कजरी हा। का हम लोग दोस्त बन सकीले? हाँ हाँ। चला हमनी के चला तनी रानी। बच्चों, आज की क्लास में हम तोहनी सबके समान ज्ञान के बारे में जानकारी दे हब। ठीक ठीक बना? जी मैडम। ठीक बना? जी मैडम। रजत तू खड़ा हो जा। ई बतावा, भारत के राष्ट्रीय फल के नाम का हा? भारत के राष्ट्रीय फल के नाम आम हा। वेरी गुड वेरी गुड, बैठ जा। कजरी तू खड़ी हो जा। ई बतावा, भारत के राष्ट्रीय जानवर के का नाम हा? राष्ट्रीय जानवर के नाम बाघ हा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठ जा। मुस्कान तू खड़ी हो जा। अच्छा ई बतावा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी के का नाम हा? भारत के राष्ट्रीय पक्षी के नाम मोर हा। वेरी गुड, सो नाइस सो नाइस। अच्छा तू बतावा रोहित, भारत के राष्ट्रीय खेल के का नाम हा? याद नहीं खे। याद नहीं खे आवन? हम बताई मैडम। हाँ हाँ हाँ, बतावा राजा, तू बतावा। भारत के राष्ट्रीय खेल के नाम हा हॉकी। वाह वेरी गुड राजा, ऐसे ही पढ़ाई करा। एक दिन तू पढ़ लिख के खूब बड़ा आदमी बनबा और अपन माई बाप के नाम रोशन करबा। बैठ जा। अच्छा मास्टर जी, ये बताई कि राजा और कजरी ठीक से पढ़ाई करेला? हाँ रामेश्वर जी, दोनों पढ़े में तेज बा और अच्छा पढ़ाई कर रहल बा राजा और कजरी। भगवान से यह प्रार्थना बा कि राजा और कजरी पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ताकि हमरा जैसन हालात उन लोग के अपन जिंदगी में कभी देखे के ना मिले। रामेश्वर जी, राजा और कजरी देख लिया, वो दोनों एक दिन पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और हम आपन मास्टर होके के फर्ज निभाई। कहे से कि वो दिन हम कबो ना भूल सकीला। रउआ के मदद और सहयोग से हम मास्टर बनल बानी। रउआ निश्चिंत होके घर जाई। धन्यवाद मास्टर जी, अब हमरा जाए के इजाजत दी। राजा और कजरी इंतजार करत हुई है। जाए। प्रणाम मास्टर। नमस्कार। बच्चों, आज शनिवार के दिन बा और स्कूल हाफ डे, और आज हम तोहनी लोगन के खास पाठ पढ़ावे के चाहतानी, और वो खास पाठ के नाम है परोपकार। परोपकार के मतलब होला दूसरा पे उपकार कैल या दूसरा के मदद कैल, वो भी निस्वार्थ भावना से। कौनो इंसान के परेशानी या दुख तकलीफ में ओकरा निस्वार्थ भावना से मदद कई, ओकरे परोपकार कहल जाला। बच्चों तू लोग समझ गईला? जी सर। अच्छा तो राजा तू बतावा। सर हम बताएं कि निस्वार्थ भावना से कई मदद के परोपकार कहल जाला। वेरी गुड गुड, बैठ जाओ। ठीक बा बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही। अब हमनी सोमवार के मिलब, ओके? रानी तहार गाड़ी कब ले आई? लागत आज थोड़ी देर हो गई, यह से आज अकेले जाए के पड़ी। रानी तू हमनी के साथे चला।
रानी तू हमार दोस्त बाड़ू और आपन दोस्त के कोई अकेला छोड़ के जा लाका, चला हमार साथे, चला। ए चल रानी हमरा साथे खेला ना खेला काहे ना चला ना। तोनी के खेले के पड़ी ना खेला चल छीने कर बैग राजा राजा भैया खाते हमारी फर्ज है रानी चला राजा 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 ओ दिन के बाद बाबूजी हमरा के हॉस्टल भेज देनी और हम दोनों अलग हो गए नी पर हर दिन हम तोरा के याद करेनी और भगवान की कृपा से आज हम फिर मिल गए नी बचपन में बनल ई जन्म जन्म के रिश्ता फिर एक हो गई राजा हम तोहरा से बहुत प्यार करेनी बहुत ज्यादा रानी हम तोरा से बहुत प्यार करेनी छुआते बदन लड़ुआ जालू छुई मुई
छुई मुई के जाई से छुअते बदन लड़ुआ जालू छुई मुई के जाई से। देख लो पूजा हमार हाँ। पसंद हमार राजा कैसन बा एकदम हैंडसम टॉल एकदम हीरो जैसन वो देखे में जितने सुंदर बा ना मन से भी उतने सुंदर बा। हाँ रानी ये तो तू बिल्कुल सही कहत बाड़ू तोहार राजा सच में करोड़ों में एक बा। थैंक यू। पापा के फोन। पापा okay. हाँ पापा नमस्ते। खुश रहा बेटा खुश रहा। जी पापा बोली। बोलती रही बेटा कि बिजनेस के काम से शहर आयल रही। अच्छा। तो सोचने की तरह से मिलके जाई। अच्छा पापा तो हम हॉस्टल में बानी आ जाई। ओके बाय पापा। बाय बेटा। पापा आ रहल बानी हम चेंज कर लेता नहीं ठीक है। अरे बेटा कहा करता रू। अरे पापा कुछ सबमिट करे के बा। हाँ और बताई कैसन बानी। अरे हम तो बहुत बढ़िया बानी पर एक बात बताओ तहार मेडिकल के एग्जाम कैसन चलता। एग्जाम एकदम बढ़िया बा सारे पेपर हो गए बा एगो पेपर बाकी बा वो हो जाए फिर एग्जाम खत्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही मन लगा के पढ़ा अपन बाबू जी के नाम खूब रोशन कर। पापा माई कैसन बिया। माई तारा के बहुत याद करेली कहली हमारी बेटी का भाई ओकरा के देखे के बहुत मन करा था। हम हूँ माई के बहुत याद करीला और माई से कहिया कि हम जल्दी आए एग्जाम खत्म होके के बाद। बस बेटी एग्जाम खत्म होते ही डायरेक्ट घरे आ जा वहाँ मिल के हमने खूब बात कर लिया। हाँ पापा। अच्छा बेटा अब हम चला तनी एक बात सुनो कोनो चीज के दिक्कत हो हमारा के एकदम फोन कर दिया। अपन ख्याल रखना। प्रणाम पापा। अरे खुश रह खुश रह। बैठा 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 बैठा। ठीक है पापा। राजा जब से हम तोरा से मिलल बानी पता नहीं का हो गेल बा हर वक्त तोरे बारे में सोचेनी तोहरे बारे में ही सोचित रहनी तोहरा से मिले के तोहरा के देखे के मन करा था हर वक्त। तो देखत रहा कि तह के मन किले बा। हम सीरियस बानी हर वक्त मजाक हम सच कहतानी तोहरा से मिले से पहले हमार हर काम में मन लागत रहे लेकिन तोहरा से मिले के बाद दिन भर तोहरे बारे में ही सोचेली। राजा जैसन हम तोहरे बारे में सोचे नी तू वैसे ही सोचेला कि ना। रानी आई लव यू। का आई लव यू। का आई लव यू। आई लव यू टू। जब से दिखली तोहरी सुरतिया पगलाइल बाटे मतिया ओ जब से दिखली तोहरी सुरतिया पगलाइल बाटे मतिया कल हमारा पगुरी जान कल ना हमरा से प्यार गोरी कल जान कलाना हमरा से प्यार गोरी कलाना हमरा से प्यार तोहरा के रा
अखिया के बिछावा के पुतरी बना के हो तोहरा के रखम अपना दिल में बसा के अखिया के बिछावा के पुतरी बना के नस नस में जादू भरल बा लागे फुलवा कौनो खिलल बा नस नस में जादू भरल बा लागे फुलवा कौनो खिलल बा जैसे बगिया में आयल बा बहार जान कलाना हमरा से प्यार गोरी कलाना हमरा से प्यार जान कला बसल बाड़ू दिल के भीतरिया लीला कौनो हमसे क्रिया बसल बाड़ू दिल के भीतरिया बन जा कनिया तू धनिया हमार जान को लाना हमरा से प्यार ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए गाना आए ना आए गाना चाहिए ई ल चाय पी ल आ जल्दी जल्दी पी ल हमके बहुत काम करे के बा समझ गेले ना खाना देवे के बा भैया के बहिनी के तैयार करे के बा ओह नो का भाई अरे ऐसे का करता रू का ऐसे नीचे तो देखा राजा हाँ भैया सब फाइल देख लेला देख लेनी और समझ भी लेनी बैठी सबसे बड़का बात ई बा कि फाइल में जौन चीज मेंशन बनू उ कामे नहीं के बहल तभी इतना बड़ा बवाल के बाद भी रुआ एक्शन कहना लेनी कारण कि दिवाकर के बाप के हमरा ऊपर एहसान रहे ओई से एक्शन ना लेनी एक्शन तो अब हम ले दिवाकर भाई राघव साहब के छोटका भाई के शेरा भैया के फोन आयरला आपसे मिले खातिर भैया हमसे कहत रहनी कोनो परेशानी बका हाँ एगो छोट परेशानी बा बस यही से तोह के बुलाऊनी नाम और पता खाली बतावा ओकरा एक खत्म कर देब
एगो दुश्मन बा, ओके खत्म करे के बा। बस इतने बात बा, ओकर नाम पता कैली, हम ओकरा नाम के जाना बात कह दे। कलू भारत माता के मंदिर के रास्ते गुजरी, बाकी तहन लोग खुद समझदार बड़ा लोग, तहार काम हो जाए। ओके डन। चला। सरे, और ई रास्ता रोके का मतलब? मतलब तो साफ बा, हमनी के जेकर रास्ता रोक देबे नहीं, ओकर आगे के ना डायरेक्ट ऊपर के रास्ता खुल जाला। आ तहरा के दुनिया से ऊपर उठाए खातिर पूरा फौज लेके आइल बानी। बोल ले हालिस। गिद्धड़ के फौज लेके शेर के शिकार करे चलल बड़ी। सुन। राजा गिद्धड़ के फौज में ना अपने आप में मौज करेला। भैया ऐसे ही ना मानी, लगा था हमनी के बतावे पड़ी कि हमनी के बानी। देखत का बड़ा सन, जाके मार सोक रखे। शिकार कर बे तरी बहनी के। Ugh!
बोल कौना के जहन्नुम में जाए कबन। भैया हमरा के माफ कर दी। बोल के भेजले बा तोरे राघव। पता कर कि राघव से दुश्मनी लेवे के हिम्मत कौन कैले बा। हम ओकरा के ऐसन मौत मारब कि ओकर सात जन्म तक सात खानदान भी राघव के नाम से डरी। जी भैया हम अपन आदमी लगा देले बानी, बहुत जल्द ऊ लोग पकड़ल जाई। भैया आप निश्चिंत रही, ओकरा के मरिए मत, काहे कि हमरा उ शेर दिल जिंदा चाहिए, ओकरा के अपना हाथ से मारब सुकून मिली। राजा हाँ? आजकल तू कहाँ बिजी रहेला, हमार याद नहीं किया आवत? अरे ना हो, थोड़ा सा काम धाम में व्यस्त बावे अभी। अच्छा तो तुम्हारो पहले वाले हंसी कहाँ गई हाँ, और तुम्हारो मुस्कान कहाँ बा? कितना अच्छा मुस्कान बा, देखो हम तोरा कुल्लू दिखत हैं। ना हो तू तो हमार परी हो। राजा एगो बात पूछी, सच सच बताई बा। पूछा हमार प्यार की कसम झूठ नानू बोलबा। अरे पूछो ना। राजा तू करेला का तू सच में इस शहर में काम करे आयल बड़ा या कुछ और? काहे कि हमरा के ना कुछ दिन से तोरा पे डाउट होता। कुछ ही महीने में बोल चाल गाड़ी घोड़ा कपड़ा लत्ता सब कुछ बदल गए। अरे नारानी वो संजय सर ना? ना राजा, एक मामूली सी नौकरी करे वाला लड़का, इतना जल्दी इतना बड़ा चेंज। राजा हमरा के सच सच बतावा का बात बा? रानी जब समय आई ना तारा के सब कुछ बता दे। समय आई? हाँ कब आई वो समय? अभी कौन राहु के तो चला था का हमरा के अबे जाने के बा। रानी हमरा के अभी जाने के है कि तू करत का बड़ा बतावा हमरा के। समय ले पर बता दम तरह के। आराम से। थैंक यू। अब हम एजा से बहुत जल्दी चल जाए। काहे तुहरे जब मन नहीं खिलागत ना? ऐसा कोनो बात नहीं कि तू बाड़ू ना तो हमरा का चिंता बा। एक बात बोली कजरी, हमके तू बहुत अच्छा लागे लू। सेम टू यू, हमके भी तू बहुत अच्छा लगेला। जैसे नीक लगे जाड़ा के धूप में, ऐसा जादू बा तोहरा रूप में, जैसे नीक लगे जाड़ा के धूप में। कदेला दूर साचो सगरो थकान, कदेला दूर साचो सगरो जान तुहार, ए जान तुहार मीठ मुस्कान, ए जान तुहार मीठ चांद जैसे रूपावा पे लाल रंग बिंदिया, बाली ओठ लाली सब उड़ावेला निंदिया। हो चांद जैसे रूपावा पे लाल रंग बिंदिया, बाली ओठ लाली सब उड़ावेला निंदिया।
जब से तू भइल बारू हमे मेहरबान हो, जन्नत हो गइल बावे जिंदगी की जान हो। हो जब से तू भइल बारू हमे मेहरबान हो, जन्नत हो गइल बावे जिंदगी की जान हो। दिल के बात तू कहते हला राजा, दिन में आते तो हमारे समाजा। सब कुछ ले ले बानी तोहरे के मान, सब कुछ ले ले बानी तोहरे के मान। ए जान तोहर, ए जान तोहर मीठ मुस्कान, ए जान मुस्कान, ए जान तुहार मीठ मुस्कान। अजय देरी हो रहा है। ये सब शादी से पहले ना, ओके? कहां मर गए सब तुम लोग? आ जाओ बैठो इधर। क्या बात बा भैया, बड़ा खुश लगा तेरा। हां हां, आज बहुत खुशी की बात बाटे, और ओ खुशी में हम तोहरा लोगन के शामिल करे के चाहत रहनी है। बहुत अच्छा। राजा, आज पहली बार हमार दुश्मन राघव के लंका में आग लग गई बा, और वो बहुत परेशान बा, और ओकर परेशानी देखकर हमरा बहुत सुकून मिला था। और ई काम जौन आदमी भी कैले बा वो बहुत अच्छा कैले बा, और ओकरा मर्दानगी पर हम सैल्यूट करतनी। बोला। तू बताओ। ड्राइवर आ गइल। जी पापा। हाँ बात का बा पापा? टीवी न्यूज ना देखला हा? ना। अरे उ जी हमारे पार्टनर बन राघव जी। हाँ। अरे अपन जी कंपनी में पैसा लगे ले बन, उनकर सारा कंपनी के केहू तहस नहस कर देले बा, एगो फैक्ट्री के तो बम से उड़ा देले बा। आज उनका साथे कइले बा, कल हमार कंपनी के साथे कर सकत बा। यही से उ अपराधी के जड़ से खत्म करे के बा हमरा। यही से उनका सहानुभूति देवे खातिर और अपराधियन के ढूंढे में मदद करे खातिर हमारे शहर जाए पड़ी। ठीक बा, शहर जाता नहीं तो जाई रानी विटिया से मिल ले और उनकर हालचाल भी ले ले, और कह दे कि उनकर माई उनके बहुत याद करेनी, जितना जल्दी हो सके वो अपन परीक्षा खत्म करके वो घरे चला जास, उनके बिना घर बहुत सुना लागत बा। सुमित्रा, तू चिंता बिल्कुल मत करा, हम रानी बिटिया से मिल ले बा, आए? ठीक बा? रिंकू, गाड़ी निकलवा बा। ये पहले कहना बताओ लिया है? गलती हो गई साहब। निकल। पता करा सन ये कौन है? कौनो भी बिल में, कौनो गली मोहल्ला में, पाताल में भी छुपल हो गया, एकरा के जिंदा लेके आओ हमरा सामने। पहले ढूंढ एकरा कैसे, एकरा के अपना हाथ से मारो, तब एकरा पता चली कि राघव से दुश्मनी के नतीजा का होला। अरे इतर राजा है। राजा कौन? राजा ते कैसे जानता एकरा के? अरे वही दिन बतौले ना रहनी, ये है वो जोन कंपनी के पूरा वर्करन के सामने हमके बेइज्जत कैले रहे, एके तो वही दिन हम खत्म कर दे रहती, लेकिन बच के निकल गई।
लेकिन अब ना बची। हमार प्रयास असफल ना होई। ओकरा के हम ऐसन मौत दे कि शहर के सब लोग एकर मौत देख के कांप उठी और बरसों तक ना भूली। आगे से राघव से दुश्मनी लेवे से पहले इस शहर के लोग सपना में भी 100 बार सोची। शेरा, एकरा कहीं से भी जिंदा ढूंढ के निकाल, कौनो कीमत पर, चाहे पाताल से खोद के निकाले पड़े। जी भैया। अरे एकरा ढूंढे के कहीं जरूरत नहीं खे। ई उहे संजय गुप्ता के कंपनी के मैनेजर है। हमरा त लागता संजय गुप्ता एकरा से मिल के आपके बर्बाद करे के कोनो साजिश रच ले बा। हमरा के बर्बाद करे ऐसे पहले आज राते उस संजय गुप्ता को उठवाला सन। जब ओकरा के टॉर्चर कल जाई तो ओकरा के बचावे खातिर ही जरूर हमनी के शरण में आई और तब अपना हाथ से कर मौत के फैसला हम ले। हेलो भैया, रउआ लोग जल्दी वहां से निकले। राघव के आदमी निकल चुकल बा रउआ लोग के मारे खातिर। लेकिन इस सब बात तोरा कैसे पता बा? भैया हम अभी ओकरा बंगला पर से होके आ रहल बानी। पूरा प्लानिंग के साथ निकलल बा, एक साथ पूरा परिवार के खत्म करे खातिर। भैया जल्दी से निकले वहां से। आवे ओकरा के आज हम देख ले ओकरा के। अरे भैया इस समय लड़ाई के नहीं खे, काहे कि पूरा परिवार हमी के साथ है बा। हम नहीं चाहत कि हमारा परिवार पे कोनो खरोच आवे और दिन ना रात बा भैया। हाँ भैया, प्रिया बेटी के बारे में भी तो सोची, इनकर का होई? का सोचता नहीं, चली ना भैया। संजय भैया सुनी, ठीक कहता राजा, देखी प्रिया बेटी कितना डरल भैया। हाँ देखी भैया कितना डर गल बड़ी प्रिया बेटी। हाँ पापा चली चली। सोची मत भैया, तो वह जाना तरी ना, हम क्यों से डरे नहीं ना, खाली अपना परिवार के सवाल बा। हम तो करा के देख लें बाद में। चली रुवा उठी। हाँ, हाँ, चल। चले बा। कोजा। देख कैने गई। ढूंढा तो करा के। ए, उजाए के ना चाहिए बच के। कोजा। हाँ, चले बा। चल, चल यहाँ से। गल। हमरा के पता चल गेल बा कि संजय गुप्ता अपना बेटी के लेके इस शहर छोड़ के भाग गेल आपके डर से। और हाँ वो कबो ना आई। तो ये खुशी के खबर समझी कि तोनी के नाकामी के? भैया एकरा के खुशी के खबर कहल जा सकेला, काहे सी ओकर प्रॉपर्टी और फैक्ट्री पे हमनी के कब्जा कर लेवल जाई। और हाँ अगर दोबारा आ गेल ना तो ओकरा के गोली मार देवल जाई। आखिर हमनी के यह उद्देश्य रहल भैया। बात तो तू बिल्कुल सही कहता रहा। एगो काम करा लगिन, जल्दी से जल्दी उस संजय गुप्ता के सारा प्रॉपर्टी अपना कब्जा में ले लो सब। ठीक बा भैया, तो काले हम अपना वकील के बुलवा के ओकर सारा प्रॉपर्टी रोड़ी नावे करवा देता नहीं और शहर में खबर फैला देता नहीं कि संजय गुप्ता अपन पूरा प्रॉपर्टी राघव साहब के नाम करके शहर छोड़ के चल गए। सर, जय हिंद सर। जय हिंद। गुड जॉब उज्जवल। अगर उस दिन तू फोन ना कर रहता ना
तो आज अंजाम कुछ और रहे। ऐसे ही तरक्की करते रह, गुड जॉब। सर आप ही से तो सीख ले बनी। जय हिंद। जय हिंद। पहले ही बताओ सन की कुछ पता लागल कि ना ओकने के। भैया हम अपन आदमी लगा देले बानी, बहुत जल्द ओकरा बारे में पता चल जाई। और पुलिस भी अपन काम कर रहल बा, अपराधी जल्द पकड़ल जाई। वाह, ये दुनिया में सबसे महान काम कैले लगिन तोनी के। कुछ ना उखड़ी तोनी से, बस बैठ के यहाँ माछी मारे लायक बड़ा लगी। अब हमरे कुछ करे के पड़ी, ओकर पता लगाओ सर। राघव भाई, ए राघव भाई। अरे काली चरण। बैठा बैठा। और बताओ का हाल बा? सब ठीक बा भाई, लेकिन तू चिंता बिल्कुल मत करो। वो अगर पताल में भी छुपल होगी ना, ओकरा पताल में से ढूंढ के हम निकालब। बस तोहरे से उम्मीद रहल। हम आ गेल बनी नु, अब एकदम तू चिंता छोड़ दो। ओकर खानदान जहां भी छिपल होखी नु, खोज के हम तारा सामने हाजिर करब। राजा के माई। ए राजा के माई। हाँ, प्रणाम मुंशी जी, का बात बा? बोली। बोले के का बा? बोले के कुछ नहीं खे। आज हर हाल में हमारे तो पैसा चाहिए तो चाहिए। देखा मुंशी जी, हमर बेटा राजा शहर गई है कमाए। उ जैसी कमा के आई ना, हम आपके सब पैसा दे दे हो। तो हर राजा बेटा कब आई तब ले हम इंतजार ना करब। हमारा के पैसा चाहिए तो चाहिए ना, तो घर वर सब गिरवी रख दे। ना ना, ऐसा ना कही मुंशी जी, हम आपके सूद ब्याज सहित सब पैसा दे दे हम। बस तीन दिन टाइम दे। तीन दिन? ये बात का कैसे मान ली कि राउर बेटा तीन दिन में आ जाए? सब हमारा पैसा हमारा के दे दी, हम ना मानो। देखिए, हमरा पर भरोसा करी। अगर आपके हमरा पर भरोसा नहीं है ना, तो हम मास्टर जी से शाम के बात करा देता नी। फिर तो भरोसा हो जाए ना मुंशी जी। ठीक बा, हम जाता नी। अगर तीन दिन के बाद में तहार पैसा ना मिलल, तो इस सब घर का गिरवी रख दे हम, कहे कि तहार सब घर के कागज हमरे पल्ले बा। कजरी, मास्टर जी के बुलाब। हरानी बोलो, हम तोहरे के फोन करे वाला रानी है। हमारे एग्जाम खत्म हो गए बा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात बा हो। और हम तोरा से मिले के चाहता नी, काहे कि कल हम गांव जाता नी। अरे पगली, आज तो हमू घरे आवता नी। अच्छा। हरानी, कल घर से फोन आए रहे, अगर हम तीन दिन के अंदर पैसा ना देम ना, तो हमार घर जमीन जायदाद सब गिरवी रखा जाए। अच्छा, अब तू निकला, हम आवता नी, गाँव में मुलाकात हो। यहाँ ठीक बा। अरे भैया रउआ। अरे हाँ, हम तुहार सब बात सुन ले बानी, और तोरा के हम एगो गिफ्ट देवेला चाहता नी, लेकिन मना मत करी। हाँ, कहा भैया? ना तो ला पकड़ा। अरे तुहार हम बड़ भाई बानी नू, ना ले बता बुझ ली है। इला पकड़ा। गॉड ब्लेस।
का भाई? लगातार इंजन गरम हो गई बा। हेलो हेलो, रुको रुको रुको, अब हमार गाड़ी खराब हो गई बा। हमरा की है पास के गांव में जाए के बा, कालीचरण की बेटी बानी, हमरा के तू छोड़ दे बेका। राजा? हाँ रानी। तू यहाँ? हाँ, पहचान तरू? कजरी। हाँ कजरी। कजरी ई रानी स्कूल याद आइल? हाँ रानी कैसन बाड़ो? बहुत बढ़िया, तू कैसन बाड़ो? एकदम बढ़िया रानी। सुनो ना, हमनी के हम तारा के काल शॉपिंग करा दें, तू घरे जा, हम रानी के छोड़ देता नहीं। ठीक बा भैया, रानी के अच्छी तरह शॉपिंग कर रही है। ओके हाँ, बाय बाय। बैठा रानी। ये जगह याद बात आ रहा? हाँ, सब कुछ याद बा। ये जगह हम कैसे भूल सके नी? तोहरा के याद बा, एक बार तोहर साइकिल के चैन खुल गए रहे और कुछ लइकन लोग हमरा के और कजरी के कितना परेशान कैले रहलन सन, और तू ओ लइकन लोगन के इतना धुलाई कैला। समय भी का चीज बा ना। कैसन संजोग बा, 15 साल पहले यह जगह से तू हमरा के हमरे घर साइकिल से छुड़े रहला, और आज फिर 15 साल बाद फिर से हमरा के हमरे घर छोड़ा तारा, और ई बार मोटरसाइकिल से। I love you. जन्म में प्यार राही कब होए ना है कम,
कहे नी बतिया तू मान ल सनम। प्रभु, आज हमर दिल के बात रउआ से हम कहे चाहता नहीं। हमरा में इतना हिम्मत नहीं खे कि हम अपन दिल के बात माई से कह सकी। हम अजय के दिल और जान से प्यार करेनी, और रउआ के तो मालूम बा कि हमर परिवार कैसन बा, और भैया तो मनी है ही ना। तो हे विनायक, हम चाहता नहीं कि हम अजय से शादी कर ली। कजरी, ये का तू बोलत अरु? तू केकरा से शादी करल चाहत अरु? मैं ऊ केकरो से भी ना। बतावा ना तो भैया से कह देब। माई ऊ अजय। कौन अजय? माई जौन ऊ दिन हमार ऊ गुंडा लोग से हमार इज्जत बचौले रहले ना, ऊ है। तो केहू तोहार इज्जत बचाई तो तू का ओकरा से ब्याह कर लेबू? माई वो बहुत अच्छा लड़का बाड़े और हमसे बहुत प्यार करे ले, और हम में उसे बहुत प्यार करे नी, और हम चाहता नी हमार उनसे शादी हो जाए। चुप, एकदम चुप। बात यहाँ तक पहुंच गई। समझ नहीं की अवध के हम का करी। अच्छा अच्छा ठीक बा, हम भैया से और मास्टर जी से बात करो। माई सच्ची में? माई सच्ची में? हारे पगली, सच्ची में? ठीक बा जी। मास्टर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बैठा। और का समाचार? रउआ आशीर्वाद से सब ठीक चलता है। वाह मास्टर जी, आज हमर सर से बोझ हट गए। काहे कि राजा जाके मुंशी लाल जी के कर्जा दे देलस। माई ते टेंशन ना ले, अब सब समस्या दूर हो जाए। मास्टर जी, कजरी के शादी अब एकदम धूमधाम से कहिए। ई तो बहुत अच्छा खबर सुनौला हा। मास्टर जी, राजा, अगर आप दोनों के इजाजत होके तो कजरी के ब्याह अजय से कर दिया जाओ। वो अजय विधायक जी के लड़का? वही मास्टर जी। हाँ माई, तो बहुत अच्छा बात बा। लड़का भी सही बा और ये दोनों एक दूसरे के जानत भी बाड़ सन। अगर ऐसा कोनो बात हुई तो जाके हम अजय के घर वाला से बात कर ले मास्टर जी। हाँ हाँ, कारे कजरी जो जाके शादी के तैयारी कर। भैया शर्मा गई ली है। कजरी। हेलो। हेलो अजय। हाँ कजरी बोला। अजय तोहके एगो खुश खबरी बतावा तनी हम। का बात बा हो? तोहके का लगल इतना आसानी से बता देम हम? अरे बता दो, का आसानी से हमरा के परेशानी में डालता रू? अच्छा बाबा बतावा तनी, हमार परिवार हमर ब्याह खातिर मान गई ले। बहुत अच्छा बात बा। बाय।
माई हम कई दिन से सोचत रहनी एगो बात तरह से बताई का। अरे तो सोचत कहे बाड़ू, बतावा ना। माई बात ई बा, उ दिन हम राजा भैया के खेते बुलावे गल रहनी ना, तो मंगरू जी से पता चलल कि रानी और राजा भैया एक दूसरा से बहुत प्यार करेला लोग। उ लगन के शहर में भी मुलाकात हो चुकल बा, तो हम चाहता नी कि हमार शादी से पहले उ दोनों के शादी करा दी। हम सब समझ गए नी तू क्या कहे के चाहता रू। हाँ माई बोल। राजा बेटा तू टेंशन मत ला, बस हम समझ गए नी ना। हाँ फोन करके रानी के कोनो मंदिर चाहे कोई जगह बुलाबा, हमरा तोहनी दोनों के कुछ बतावे के बा। अरे माई ओकर घर से निकलल बहुत मुश्किल बा। पहले तू फोन तो करा, बोला कि माई मिल चाहती है। ठीक बा माई, लगावा तनी। राजा? हाँ राजा। हाँ रानी, माई तरह से मिलल चाहती है। माई जरूरी बात है? हाँ। कहाँ आए के बा? मंदिर पे आज ही है। ठीक बा राजा, लेकिन आज नहीं के आ सकत, कल भैया और पापा घर पर ना रही हैं, तो हम आ सकब। माई मंदिर पे आई कल। माई ऐसन का बात रहे जोन ते यहाँ हमनी के बुलैली? राजा बेटा, रानी याद बा तोहनी के वो दिन जो दिन रानी के फुआ के शादी भइल रहे? हाँ चाची, हमरा के याद बा। वो दिन राजा खेल खेल में रानी तोहरे मांग में सिंदूर भर देहलस। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाभय चक्रवर्ती तनुजाय सर्वोमाय मंगलम वेद वेदांत विद्याय मेघश्यामल मूर्ते दूल्हा दुल्हन को 5 बार सिंदूर लगावे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। देखिए जीवन में सिंदूर का महत्व होता है। विवाह में जब सिंदूर दान होता है तो पति पत्नी आपस में एक दूसरे की बात को मान करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। चाची चाची। बोला बिटिया रानी। चाची ओ फूफा जी बुआ जी के लाल रंग के माथे पर का लगावा तानी? बिटिया रानी उ लाल रंग ना सिंदूर है। सिंदूर के माथा पर काहे लगावल जाला? अच्छा अच्छा हम बतावत तानी कि सिंदूर के काहे लगावल जाला। सिंदूर लगावे से ना 7 जन्मों तक साथ रहल जाला, यही खातिर। बुझलू? काम करके कमा के लेके आए, अपनी पत्नी से राय ले, अपनी पत्नी का भी सम्मान करे और बताते रहे। राजा तू सिंदूर हमार माथा पर लगावा। रानी तू ये सिंदूर हमरा से काहे लगवावा तारू? राजा का तारा के पता भाई सिंदूर माथा पर काहे लगावल जाला? ना। काहे की सिंदूर लगावे से शादी के बाद 7 जन्म के साथ होला। हाँ रानी हम समझ गई नी। ला लगावा। राजा हमार दोस्त हवे, यही से हम उनसे सिंदूर लगवाईनी। की कहलस तोहरा से? चाची। रानी के माई ले जाए के रखे, अब अही ना आवो। मास्टर जी राजा के लेके जाए। रामेश्वर एकरा के हमार नजर से दूर करा, ले जाई वहां से। राजा के ले जाए यहां से, जाए। बाह रामेश्वर बाह, बहुत दोस्ती निभाईले है। तू रात और मेहरारू के चाल पर ताक देवे के चाहिए। 5 लाख रुपया देके करोड़ों के कंपनी के मालिक बनल चाहता। परिश्रम करी हम, मेहनत करी हम,
और फायदा तू उठावल चाहता रे। कालीचरण, पैसा के घमंड आ भूख तोहरा के बा। ओ दिन जब पैसा के जरूरत रहे तो हम तोहरा के मदद कई ले रहनी, और आज तू हमसे ऐसे बात कर रहल बड़ा। रामेश्वर, आज के बाद दोबारा जिंदगी में हम तोरा दरवाजा पे कभी वापस ना आए। हमरा दरवाजा पे आवे के तोहरा कोनो जरूरत नहीं के। आज से दोस्ती यारी रिश्ता नाता सब खत्म। धोनी के हमार बेटी के जूठन खाए के औकात नहीं के। तू हमार बेटी के अपन घर के बहू बनावल चाहता रे। ई हर किस नहीं के हो सकत, कभी नहीं के हो सकत। कालीचरण सुन, हम तोहरा बेटी के अपना घर के बहू बनाए के सपना कभी ना देखले रहनी, लेकिन अब देखा तानी। तू हमारा औकात देखल चाहता रहा ना कालीचरण, जवन रिश्ता तोड़ल चाहता रहा ना तू, वो रिश्ता भगवान के बनावल है। अब भगवान के बनावल रिश्ता कबो इंसान भी ना तोड़ सकेला। वो दिन बहुत जल्द आई जौना दिन तोहर बेटी हमरा घर के बहू बनी, और तोहरा आँखी के सामने हमार बेटा के जूठन खाई, और तू सिर्फ हमरा सामने खड़ा होके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाइबे। अनजाने में ही सही तोहरा बेटी से हमरा बेटा के ये रिश्ता जन्म जन्म के हो गइल बा। चला गायत्री। का भइल जी? कुछ तो ना, कुछ ना, ना कुछ तो भइल है ना, कुछ तो ना। देखे हम आपके अर्धांगिनी है, हमरा से ना छुपाई, बताई ना का भइल? कुछ नहीं की छुपाओ तेरे पगली, तनी सर में दर्द होता हमरा। अच्छा सर में दर्द है, लाई दवा दे तनी। गायत्री हम तहरा से कुछ कहल चाहता ना। हाँ बताई ना जी, कहा कहल चाहता नी? तू वादा करो जौन हम कहम तू जरूर पूरा करबू। ए जी, आज तक हम आपसे सारा वादा पूरा कैनी हा और आगे भी पूरा करब, बताई ना का बात बा, बोली ना। गायत्री हम ई कहल चाहतनी कि भले हमनी के गरीब बानी जा, लेकिन अपना बेटा बेटी के पढ़ाव में कबो कौनो कमी ना कैनी जा। अगर भविष्य में हमरा कुछ हो जाए, ऐसे ना बोली, तो हमरा से वादा करो कि तू राजा और कजरी के पढ़ा लिखा के बड़ा ऑफिसर बनेबू, ताकि हमर सपना सच हो सके। और हाँ, राजा की घटना के बारे में अभी ना बताइए, ना तो ओकरा पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे। जब राजा वो काबिल हो जाए तब वो घटना के बारे में बताइए ओके। हमारी यही इच्छा बा कि रानी अपना घर के बहू बन जाए, हमरा बहुत सुकून मिली। हम आपसे वादा करत आनी जी कि आपके ये इच्छा पूरा करब, ठीक है? ए जी उठी ना, उठ जी, क्या भइल? गायत्री बहन, भगवान के आगे केकरो चलल हका, विधि के विधान केहू ना टाल सकेला। रामेश्वर भाई के साथ इतने दिन तक रहे, उनकर आखिरी इच्छा रहे कि उनकर वादा के हम पूरा करी, बस कैसे पूरा करब ये हमरा समझ में नहीं आवता। गायत्री बहन, हमरा ऊपर बस इतना एहसान कर दी अपन बड़ भाई समझ के। हम चाहता नहीं कि राजा और कजरी के पढ़ाई के जिम्मेदारी हम ले ली, कि हम रामेश्वर भाई के एहसान के थोड़ा सा हक अदा कर सकी। उनकर भी यही इच्छा रहे, उनकर वादा के हम ना पूरा कर सकनी, लेकिन भैया आप महान हैं।
ई तरह से धीरे धीरे समय गुजरत गई और तू दोनों बड़ हो गई ला। अब फिर एक दिन शहर चल गई ला। चाची रहुआ हमारे सिर्फ चाची ना, अब माई भी बानी। हम राजा से बहुत प्यार करेनी और हम रहुआ से वादा करतानी कि बाबूजी का दिहल वादा और आपके सपना जरूर पूरा होई। हाँ माई, बाबूजी के सपना और तोर के वादा जरूर पूरा करें हम। राजा अब ई छुप छुप के मिलल और हर दिन इंतजार करल हमसे नइखे सहल जात बा। अब हम शहर से गांव भी आ गइल बानी और हमारे एग्जाम भी खत्म हो गइल बा, पढ़ाई भी खत्म हो गइल। अब हम साथ में रह सकतानी, हम तोरा से शादी करा चाहतानी। रानी तू टेंशन ना लो, सब सही हो जाए। ठीक बा, हम चला तानी, फिर मिलब। अरे हमरा के का देता रु, बेटा सब के खिलाओ, कमजोर हो गइल बान सा, खिलाओ। अब भी खाई पापा, खाई। मालिक थोड़ा से हम एको बात कहल चाहता नी। का बात है? मालिक रानी मैम साहब के एगो लइका के संगे बात करत देखनी है। तोर दिमाग खराब हो गइल बा का? ना मालिक, हम झूठ नहीं बोलत, पर हम नमक खइले बानी, हम झूठ नहीं बोल सकत, हमरा लगे सबूत भी बा। देखाओ। अरे दा है ने, पकड़ जो जैसे जी। बस अब पानी सर से ऊपर हो गई बा, समझ लू। अब रानी के घर से बाहर जाए की इजाजत नहीं खे। राहुल रॉकी जी पापा, तू दोनों के जहां मिले ओकरा के जान से मार दो, समझ ला। जी पापा। भैया चलो अभी ये पता करके उकरा के मार दिया जाओ। चल छोटे। ए बैठ बैठ, रुक। मारे से अच्छा बा हम चाहता नहीं कि रानी के शादी ये करवा दी। हाँ जी ठीक कहत बनी, बिटिया के पढ़ाई भी खत्म हो गई बा, शादी कर देहल ही सही बा। हम आज विधायक जी से जाके बात कर लेता नहीं। केकरा शादी के बात हो रही बा? तहरे। हमर शादी? हाँ रउआ के हमरा से पूछे के चाहिए, अब हमरा के अभी शादी नहीं के करे के बा। तहरा से पूछे के हमरा कौनो जरूरत नहीं है रानी, समझ लो। बिटिया रानी तू कहाँ गई रहलू हा? बोल दो, मंदिर गई रहलू। हाँ हाँ बोल दो, सहेली के पास गई। चुप, बस रुक। आज के बाद रानी बेटी चौखट से बाहर ना जाई, ये हमार हुकुम बा। आ खास करके तारा से कहा तनी सुमित्रा। तोकरा के तो हम देख ले। बतावा कालीचरण का हाल चाल बा? राउर छत्र छाया से बहुते बढ़िया बा। नमस्ते अंकल जी। खुश रहा बेटा। पापा हम लखनऊ जात बानी, कुछ काम बा, शाम तक लौट आएं जाई। ठीक बा बेटा, जा संभाल के जाई। हा ठीक बा पापा जी। नमस्ते अंकल खुश जी। रहा, नमस्ते खुश पापा। विधायक जी बताई ना, हम रउआ से बहुत खास बात करे आइल बानी। खास बात? बोली बोली। हम चाहत आइन के हमनी के भाईचारा जौन बा वो रिश्तेदारी में बदल जाए, इतना तो बड़ा खुशी हुई। रिश्तेदारी में? हाँ। मतलब कहा कहे के चाहत आ रहा कालीचरण, साफ साफ बोला ना। विधायक जी हम ई कहल चाहता नहीं नू कि हम अपन रानी बेटिया के शादी राहुल बेटा अजय के साथ हो जाए, इतना बड़ा निमन रहित, हमरा बड़ा खुशी होइत। का विधायक जी बोली ना। विधायक जी ठीक बा भाई, इतना चिंता मत करी कालीचरण, आप निश्चिंत रहिए, हमें इतना सोचले के का बात बा। जाए तैयारी करें, शादी जरूर होई। हाँ बिल्कुल जाए। जी विधायक जी।
जाए आप धूमधाम से तैयारी करें। जाता नहीं। जाए। सुमित्रा, अरे सुमित्रा कहाँ बारो लोग? हेने आओ सब। आओ बैठ। का भइल पापा? का भइल जी? आज बहुत खुशी के बात बा। का भइल? हम विधायक राजन सिंह से आपन बेटी रानी के उनकर बेटा अजय के साथ ब्याह तय कर देले बानी। तीन दिन बाद शादी बा, सब कुछ बहुत जल्दी तैयारी करेंगे बा। हाँ। बेटी, तू हमार मान सम्मान के लाज रखी हा। हारानी बोला। राजा। हारानी कैसन बड़ू तू? यहाँ कुछ ठीक नहीं के। पापा हमार शादी विधायक के बेटे अजय से तय कर दे ले बाड़न। Oh।
का भइल कजर बिटिया, तू काहे के चिल्ला के जाग गेलू हा? ना माई, कुछ ना भइल, उ हम एक एगो सपना देखत रहनी। ठीक है, देखा आधी रात हो गईला, तू अब सूत जा, ठीक बा? अरे राहुल रॉकी, शादी की तैयारी हो रहल बानू? जी पापा। नमस्कार राघव भाई। अरे भाई का हाल बा? का हो काली चरण, हमरा ना बुझात रहे कि तू इतना निकम्मा निकल बा। अरे भाई, तू हमरा से नाराज काहे बड़ा है? अरे नाराज ना होकी तो खुश होकी, बड़का बड़का बात करत रहल बा कि उ चाहे पाताल में छुपल होके वहां से भी ओकरा खोज के निकाले। आ पाताल में तो छोड़ो, उ तारा पास के गांव में छुपल बा, आ फिर भी कुछ ना कर पाई। सुना सुना सुना, हमार बतिया सुना, उ ससुरा के फोटो हमरा के भेज द, ओकर पूरा खानदान के तारा सामने लेके आई। ठीक बा, हम ओकर फोटो आ मोबाइल नंबर तारा के व्हाट्सएप कर दे। अभी तक तू जोन भी कैला बहुत अच्छा काम कैला उज्जवल, जोन हमनी ये काम करते हैं सुनो में बहुत बड़ा रिस्क। राघव भाई सुना। हाँ बोला। ओकर फोटो और नंबर दोनों देख लेने, जितना जल्दी बा तोहरा ओकरा मारे खातिर, उसे ज्यादा जल्दी बा हमरा ओकरा मारे खातिर। काहे कि तहार तक खाली आदमी और प्रॉपर्टी के क्षति पहुँच लेबा, हमार त सर्वा इज्जत पर हाथ डल लेबा, उ हमार दुश्मन बा दुश्मन। काल हमार बेटी के शादी बा, अपने सब जरूर आई। रानी के शादी होला के बाद रजवा के शाद के इंतजाम हम कर दे लेबानी। ठीक बा, बयान हमनी के तारा बेटी के ब्याह में आवतनी जा, लेकिन उन्हें तो हर बेटी के बारात निकली और बाद ओकर साथे साथे लाश निकले के चाहिए। और राघव बहुत बड़ा सातिर इंसान बा। जी सर। हमनी के ओकरो से बड़ा सातिर बने के पड़ी। तू आवत तो पहले जनाजा तो पूरा खानदान के निकाल दे हम। जो जय हिंद सर। जय हिंद। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलायतनोहरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
कालीचरण, इस ससुर दामाद का ड्रामा बाद में, अभी तोर खेल खत्म। बहुत दिन से राघो के तोर इंतजार रहला, अब देखते राघो से टकरेला के इंतजाम। कालीचरण, राघो, अगर हम चाहती तो तोर अंत बहुत पहले कर देले रहती, लेकिन हमारा तोरा जान से ना मारे कर रहे। हमारे का ही मकसद रहे ये शहर के हर इंसान के दिल से राघव नाम के डर और दहशत निकालल और हर जनता के कानून पे विश्वास दिलावल। यही से तोरा के छोड़ दानी। अब तोरा जुर्म के सजा कानून दी, तब जाके जनता के कानून पे विश्वास हो। आज से राघव का साम्राज्य के अंत हुई। कंफ्यूज का डाला। अरे कौन हुआ भाई तू? इस शहर से राघव के डर और दहशत के साम्राज्य मिटावे वाला है? क्या होगा? तारा से तो हमारे कोनो दुश्मनी भी नहीं है। सच बताओ, कानून से खिलवाड़ करे वाला हर आदमी हमारा दुश्मन बा। काहे कि हम है कानून के रखवाला। जय हिंद। आखिर हुए के तू प्रिंस सिंह राजपूत, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, अंडरकवर पुलिस ऑफिसर क्राइम ब्रांच, मिस्टर राजा बैच नंबर 36। ए राघव, तारा जुर्म और दहशत से पूरा शहर परेशान बा, और तारा ऊपर बड़ा बड़ा लीडर के हाथ और साथ रहे। ऐसे हम एगो स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसर के रूप में ए राजा के भर्ती करनी है मास्टर जी के मदद से, ताकि तारा पता भी ना चले और तार खेल समाप्त हो जाए। और वो काम